सो यहाँ पर आर्मी वाले भैया मिले, आर्मी वाले भैया हैं केरला से। तो भैया कैसा लग रहा है हमारा उत्तराखंड भाई? अगर मैं पूछ में नहीं होता ना, आप लोग जैसे ऐसे घूमते रहे हमारा भैया। ठंड लग सकती है लेकिन हल्का हल्का तो लूंगा, हल्का हल्का लूंगा भाई। ओ ये खतरनाक है, ये खतरनाक है। ओ आराम से चलाना, ओहो सही है। ओहो आराम से चलो चलो। वन मोर, यहाँ से ना पंचाचुली का दर्शन करिए आप लोग। ये देखिए एक्चुअली ना इधर हो रही है डॉक्यूमेंट्री शूट। अभी हम आ चुके हैं दातू गांव में और यहाँ से दिखाते हैं, सामने वाला है दुक्तू गांव और ये है पंचाचुली। कंचोटी से आगे तो बड़ी बड़ी चोटियाँ दिख रही हैं और नीचे है काला पानी नदी। चल रहे हैं आगे की तरफ, ऑफ रोड है तगड़ा, चैन लूप कर ली है ठीक है। और मजे ही मजे। अभी आलोक भैया बैठे हैं पीछे बिकॉज उनको करनी है वीडियो शूट। ओहो हालत ख़राब हो रही भाई इधर तो। भाई अब हम नदी के बहुत पास में हैं, मतलब नदी के लेवल में ही हैं, थोड़ा सा ऊपर है बस। बाकी अपने दो शूटर पहुंच चुके हैं वो उधर जहां वाइट पत्थर दिख रहे हैं। और बाकी ये हमारे सब्सक्राइबर देखो कैसे वेट कर रहे हैं हमारा रास्ते में। चलो भाई अभी हमारे पास टाइम नहीं है। ये देखो गाइस घूम फिर के आ गए दारमा वैली, सारे के सारे टूरिस्ट हैं। ये देखो चल छुटकू निकल, मैं रह गया गेरा, मैं रह गया मैं। सो यहाँ पर आर्मी वाले भैया मिले, आर्मी वाले भैया हैं केरला से। तो भैया कैसा लग रहा है हमारा उत्तराखंड भाई? अगर मैं फौज में नहीं होता ना, आप लोग जैसे ऐसे घूमते रहे हमारा भैया बोल रहे हैं। अगर मैं फौज में नहीं होता तो घूमते रहता ऐसे ही। चलो मिलते हैं आप लोगों से फिर, बढ़िया है। जय हिंद जय भारत। भाई सामने वाली घाटी देखो कितनी प्यारी लग रही है, मस्त लग रही है, वहीं जाना है अभी। ओहो भाई ये देख रहे हो, रोड दिखाऊं या व्यू दिखाऊं? भाई ये था तगड़ा ऑफ रोड। भाई ये रोड है देखो, इधर इधर रोड किधर है रे बाबा। ओहो भाई ये है एक्सट्रीम लेवल भाई। ओहो भाई हम नीचे से ऊपर चढ़ के आ गए हैं, बहुत हालत ख़राब हुआ है भाई इसमें। पूरा रोड ही है कच्चा ही है, पक्का रोड है ही नहीं, मतलब जो 70-80 किलोमीटर है ना पूरा ही ऐसा ही है और एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब है कि आप जब भी आएँ तो सिंगल ही आए, डबल ना करें। सच पूरी चढ़ाई क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पर रुके थे, कितनी खूबसूरत वैली है, मज़ेदार है। अभी आगे रूट कैसा है पता नहीं, बट यहाँ से ले रहे हैं हम एक ड्रोन शॉट, तो वो अपने चैनल पर नहीं, वो मिलेगा विक्रम भैया के चैनल पर देखने के लिए मिलेगा आपको। तो चलते हैं भाई आगे, चलो भाई चलो। सभी लोग साथ साथ ही चल रहे हैं अभी है ना, कोई ज़्यादा आगे पीछे नहीं है। जिमनी अपने विजय भैया गौरव भैया और मैं, करण अंदर बैठा हुआ है अभी क्योंकि वो भैया अभी तक मेरे साथ बैठे थे आलोक भैया। बहुत सुंदर सुंदर घाटियां हैं यहाँ पे, उधर देखो पीछे आप ये सारा एरिया देखो। काश मेरे पास ड्रोन होता ना, सच में बता रहा हूँ ड्रोन से शॉट लेता तगड़े तगड़े वाले ठीक है, बट क्या करें। बाकी करण गाड़ी में बैठ गया, वो पता नहीं क्या थक वक गया क्या हो गया ठीक है। तो इस बारी फ़ोटोज भी मेरे पास कम है, फ़ोटोज का भी कोई नहीं है खींचने वाला भाई, सब अपना अपना चल रहे ना, आगे पीछे हो जा रहे तो दिक्कत हो जा रही है, तो चलते रह रहे
बाकी कुछ कुछ नेचर शॉट्स में ले रहा हूँ, बाकी GoPro में कैच कर ले रहे हैं जितनी चीज़ें हमें चाहिए है ना। बाकी आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाओ भाई, जल्दी बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। अगर वैसे आप धारमा आते हैं ना, धारमा और सिपू विलेज कवर करना चाहते हैं ना, एक महीना भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ ऊपर इतनी सारी चीज़ें हैं ना भाई, क्या ही बताऊँ आपको। यह देखो भाई, ऊपर बुग्याल और नीचे वाटर क्रॉसिंग है, मस्त है भाई, सही हो रहा बढ़िया करके। अगर ऐसी रोड भी हो ना, मतलब अच्छा लगे चलाने में, पूरा ऑफ रोड ही है ये, एक आध दो किलोमीटर होगा होगा तो, वो सामने बैंड के बाद तो मुझे लग नहीं रखी होगी करके ऐसी रोड। चलो साइड से निकल जाता होगा कैमरा, एक ब्यूटीफुल सी चीज़ दिखाता हूँ आपको, ब्यूटीफुल सी चीज़, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये देखो भाई, इसके अंदर से घुसो या नहीं घुसो भाई, ठंड लग सकती है, लेकिन हल्का हल्का तो लूँगा, हल्का हल्का लूँगा भाई। ओ भाई खतरनाक, पानी घुस गया पूरा कैमरे। वंस अगेन एक्सट्रीम 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 भाई, सही है, स्लोली स्लोली लेना पड़ेगा भाई, स्लोली निकालना पड़ेगा। ये बहुत ऊंचा पैच है, मतलब बहुत लंबा ही लग रहा है, और चढ़ाई भी है इसमें तगड़ी, और वैली खतरनाक आ रही है। तो हर हर महादेव, ब्लैक बॉम्ब प्लीज, सॉरी सॉरी भाई, तेरे को इतनी खतरनाक रोड में चढ़ा रहा हूँ, बट तू मेरा हमसफ़र है भाई, है ना, तो तुझे मेरा साथ देना ही है। ओहो ये खतरनाक है भाई, दिस लुक एट दिस भाई, लद्दाख कसम से, लद्दाख बोलते हैं ना, लद्दाख का बाप लग रहा मुझे भाई ये वीडियोज में, तो लद्दाख में इतनी प्यारी रोड दिखने के लिए मिलती है, यहाँ तो रोड का नाम निशानी नहीं है भाई। ओहो माय गॉड, ये देखो भाई, ये देखो, ये वाला पैस दिख रहा है कितना खतरनाक है। ये पानी पानी ही ले जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इसमें एक रूट जैसा बना हुआ है। ओहो ये देखो भाई, ये देखो, ओहो हो 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 हो, ये खतरनाक है भाई, ये खतरनाक है, ये खतरनाक है, ये खतरनाक है। ओहो हो, ये खतरनाक है भाई, ये वाली वाटर क्रॉसिंग तगड़ी है भाई। जूते उतार लिए हमने, देखो आराम से चलाना, ओहो हो, सही है सही है भाई, सही है, ऐसे ही जाना पड़ेगा। ये जूता गया मेरा, देखो भाई ये जूता भी गया भाई। सो हर हर महादेव, महादेव के नाम से जाना है भाई अब तो, इस वाली वाटर क्रॉसिंग को महादेव के नाम से ही क्लीन करना है भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, क्रॉस भाई क्रॉस। जय हिंद सर, आराम से आराम से, चलो 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 भाई, पैर सुन्न हो गए। वन मोर वाटर क्रॉसिंग, वन मोर वाटर क्रॉसिंग, वन मोर वाटर क्रॉसिंग। अभी हम पहुंचे हैं सैला विलेज पे, सैला विलेज अब एक्चुअली अपना धारमा से पीछे है, तो ये है सैला विलेज, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम रुके हैं लंच के लिए, तो यहाँ देखिए अंदर
यहाँ बन रहा है भाई होम स्टाइल फूड। ये देखिए सामने आंटी है, आंटी बना रही इधर होम स्टाइल टाइप में फूड। तो बाकी सब हमारे मित्रगण बैठे हैं इधर, यहाँ चर्चा चल रही है कीड़ा जड़ी के बारे में, कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं। अंकल दिखा रहे हैं ये देखिए ये कीड़ा, ये तो लाखों का, ये हजारों का वो है, मोबाइल में कैप्चर करके रखा है लाखों का माल। So guys, लंच करने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अंकल जी के पास रुके थे, खाना वाना खा लिया यहाँ से, अभी सब लोग यहाँ से हम निकल रहे हैं सिपू के लिए। तो भाई चलो चलो भाई चलो चलो भाई चलते हैं अब, है ना, आगे के लिए बढ़ते हैं। सब लोग निकल गए, सबसे पीछे मैं ही रह रहा हूँ लगता है। सब लोग आगे निकल चुके हैं, सबसे पीछे मैं ही हूँ, तो चल रहा हूँ आराम आराम से, स्लो स्लो। आप ठंडक बढ़ चुकी है, ठंड लग रही है, जितना चीज़ कवर हो रहा है दिखा रहा हूँ। बाकी बेसिकली है ना, इधर लास्ट इंडियन विलेज है, ठीक है, ये वैलियाँ हैं, ये घाटियाँ हैं ना, बेसिकली हम इन्हीं के लिए आ रखे हैं, ठीक है। आप सोचोगे कुछ स्पेशल चीज़ जाके दिखाऊंगा, भाई यही स्पेशल है, यही एडवेंचर है, यही सब कुछ है जो आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा, ठीक है। मोटो ब्लॉग में जितना मैक्सिमम चीज़ें कवर हो रही हैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। कुछ अलग बता दूं, कुछ अलग दिखा दूं, अपना ऐसा फंडा रहता नहीं है झूठ झूठ बोलने वाला सीन सॉर्ट, ठीक है। आओ भाई ये प्रकृति के मजे लो, सबसे बड़ी चीज़ तो प्रकृति है भाई, प्रकृति से सुंदर कोई है क्या, नहीं है ना। तो प्रकृति से सुंदर कुछ नहीं है भाई। एक्चुअली ना जहाँ पर हमने लंच किया वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वहाँ से ज़्यादा हमें टाइम लग गया, करीब 1.5-2 घंटा लग गया वहीं पर। यह देखो यह है खूबसूरती, यह है प्रकृति, ये है नज़ारे भाई, इस चीज़ का आनंद लेना है, ठीक है। मस्त करके देखो, ये देखो क्या खूबसूरत है भाई, क्या खूबसूरत है, वाओ अल्टीमेट यार, बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत। भाई देखो सेला गांव, और जो अपने जीत सहलाल जी है ना, जीत सहलाल, उनकी वीडियोस देखी होंगी आपने, वो इसी गांव से बिलोंग करते हैं भाई। और ये देखो ये है भाई प्रकृति, दारमा घाटी इसका नाम इसीलिए नहीं रखा गया, ठीक है। इधर आसपास में 2-3 घाटियाँ पड़ती हैं, एक ब्यास घाटी पड़ती है, एक दारमा पड़ती है, उधर लिपु लेक हो गया अपना, आदि कैलाश, ओम पर्वत, कैलाश मानसरोवर दर्शन, मतलब ये दोनों अलग अलग रूट में है, ठीक है। तवा घाट से डिवाइड हो जाता है अपना अपना क्या कहते हैं ये आदि कैलाश वाला रास्ता जो जाता है, वहीं से आप ओम पर्वत जाएंगे, वहीं से कैलाश मानसरोवर के दर्शन होंगे, बट आपको दारमा वाले रास्ते पर दारमा घाटी और सिपू विलेज जा सकते हैं। सिपू से ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, लेकिन हमें तो उनके नाम भी पता नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ लिटरली, क्योंकि अभी तक सिपू को ना किसी ने एक्सप्लोर नहीं करा है। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहा ना, कभी 1 मंथ का ट्रिप बनाएंगे और सिपू में रहेंगे, सिपू को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। ये है भाई सबसे टफ वाला टास्क जो हमें क्रॉस करना है अभी। ओहो हर हर महादेव, ओहो भाई वास्तव में मैं इनको ना उसमें देखता था वीडियोज पे, आज लिटरली क्रॉस करनी पड़ रही है ये सब चीज़ें, तो बड़ा एडवेंचर लग रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं। ओए होए 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 ओए माय गॉड, कोई रोड़ा लग गया था मेरे मुंह के आगे से जस्ट, वेयर विल बी गुड। चलो ओ हो भाई नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल भाई। एक्चुअली ना मेरा कोई गाड़ी रोकने का यहाँ पर औचित्य नहीं था, मतलब मन नहीं था, लेकिन ये खूबसूरत चीज़ देख के मेरा मन कर गया कि मैं यहाँ पर गाड़ी रोक लूँ। देखो कैसा सेम ऐसे ही पहाड़ आपका लद्दाख में भी है, आप लोगों ने नोटिस करा होगा जिसने लद्दाख की वीडियोज़ देखी होंगी, तो लद्दाख में भी ऐसी सेम आई थी, ये गाड़ी यहाँ पर ख़राब हो चुकी है भाई। यहाँ यही है कि अगर आपकी गाड़ी में मेजर फॉल्ट आ गया ना तो बहुत बुरा दिक्कत हो जाएगा, है नहीं। एक्चुअली यहाँ पे सीन क्या है ना, जितने खूबसूरत नज़ारे हैं उतने ख़तरनाक रास्ते हैं, ठीक है। ये रोड नहीं है भाई, ये बहुत तगड़ा सीन है, ठीक है। ये देखो भाई ये तो बिल्कुल नदी में ही है रोड, ये नदी खतरनाक सीन देख रहे हो, वाओ ओ हो गजब, ये ओ हो 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 ये 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 ओ हो हो हो। सो गाइस एक्चुअली हम मेन वाली जगह में आ चुके हैं ना, जहां आपको ऊपर चोटी में बर्फ़ भी दिख रही होगी, और यहां अगर आप ना अप्रैल तक आते हैं
नवंबर दिसंबर के बाद तो आपको ग्लेशियर देखने के लिए मिल जाते हैं पूरे दोनों साइड ग्लेशियर। विक्रम भैया की पहली वाली वीडियो देखना जिसमें यहाँ ग्लेशियर मिल जाते हैं और यहीं से शायद रिटर्न होते हैं, ठीक है। तो भाई ये ना बहुत तगड़ा सीन रहता है इधर, देख रहे हो अभी भी, मतलब ना इसीलिए यहाँ ना रोड पक्की रोड नहीं बनाई जाती, वो बेकार हो जाती है, यहाँ पर ना सक्सेस ही नहीं है, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, मलू आया साफ करा, ठीक है, तो वही चलते रहता है यहाँ हमेशा। बाकी रोड का कंडीशन देख ही रखे हो, साफ कर रखा है, और 80-90 किलोमीटर ये जो भी है पैच ना 80 किलोमीटर का पूरा कच्चा है, ऑफ रोड है भाई तगड़ा। सामने गाड़ियाँ कितनी सुंदर दिख रही है भाई, ये देखो सामने वाला एरिया देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, मतलब इधर रोड इतने खतरनाक, वो लग रहा है मेरे को ना हल्के हल्के किसी चीज़ के फूल आ रखे हैं, अच्छे लग रहे हैं भाई। लेकिन यहाँ पे विंटर में कैसा हालत हो जाता होगा ना, जब बर्फ़ बर्फ़ रहती होगी सारा, ओ हो क्या गाड़ी स्किड करती होगी भाई। कुछ चीज़ें तो ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये पुल ना देखो क्या मस्त लग रहा भाई इधर, यहाँ पे रील वील शूट करो, वीडियो बनाओ, प्रकृति के मजे लो। ये देखो भाई ये क्या सामने एकदम खूबसूरत नज़ारे भाई, खूबसूरत दिलकुश नज़ारे, मस्त करके मस्त गाइस। ये वाला देखो सीन क्या तगड़ा सीन है भाई, क्या तगड़ा सीन है। सामने ये देखो घाटियाँ, घाटियाँ हैं घाटियाँ भाई, ये ऑफ रोडिंग, ये घाटियाँ, ये फिजा कुछ तो कह रही है। ये देखो ऐसी प्लेन रोड होती और ऑफ रोड होता तो भी चलता यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हम तो ठहरे परदेसी, हम ऐसे रास्ते में चलाएंगे, ऐसे ही रास्ते में चलाएंगे हम तो। इस साइड पर आपको पहाड़ियों की देख रहे हो, देखो एक वो पहाड़ है, एक ये है, फिर ये है, फिर ये ऐसे बंद हो गया, फिर ये यहाँ से बंद हो गया, उधर को रास्ता है, और ये बीच में क्या प्यारा खूबसूरत सा गांव है यार। कोई आसपास होता है तो गांव का नाम पूछ लेता, इधर बोर्ड भी नहीं लगे एक्चुअली, बहुत खूबसूरत है यार, बहुत प्यारा है ना, क्या सारा फ्रेम बताओ बढ़िया। और इसकी गड्डी की हालत क्या हो रखी भाई, बाकी लोग तो पीछे कल दो दिन से गाड़ी चलने आने में है भाई, हम चले जा रहे बस। घूमना पड़ता है ना ऐसे आंखों के सामने, लगता है कि भाई यहीं पे है, नहीं भाई, लेकिन जो गाड़ी चला रखी है हम लोग उन्हें अच्छा, मतलब रफ ड्राइविंग नहीं करके भाई, स्मूथ राइडर वाली राइड करिए बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई कुछ नहीं, और स्मूथ राइड चल रही है अभी भी। हाँ भाई यहाँ से चल रही है हवा तेज, सामने जाना है हमें, आज स्टे वहीं रहेगा हमारा सामने, वो उधर। बाकी ये देखो भाई सब थके पड़े हैं, हम सब थके पड़े हैं। नीचे देखो नदी, देखो कितनी खतरनाक है भाई, ये असली खूबसूरती है भाई दारमा वैली की, दिख रही है आप लोगों को, ये देखो ये खूबसूरती है दारमा वैली की ये, ठीक है। आप लोग आइए भाई इस वैली को ना इंजॉय करिए, जितना भी ये है ना, मतलब तवा घाट के बाद अपना मान लो कि आप अंदर घुसे नहीं और ये घाटियाँ शुरू हो जाती हैं तगड़ी। फाइनली देख रहे हो ये है, ये फ्रेम है भाई, ये देखो भाई सच में ना इधर तो भाई पैदल ट्रैक करा जाए उस टॉप तक, क्या अल्टीमेट नज़ारे आएंगे भाई, इतना मतलब मज़ा आ जाएगा ना, सच बता रहा हूँ। ये क्या खूबसूरत है भाई, उधर से आए हैं पीछे, पीछे साइड में भी है, उधर देखो पंचाचुली की पीक दिख रही है सामने पीछे, जो हमें अभी थोड़ी देर में दिखेगी, ठीक है, या फिर कल दिखाएंगे आपको। चलो भाई चलो चलो आगे चलो। सो ऑल राइट गाइज, हम पहुंच चुके हैं अभी दुकतू, ये है दुकतू गांव, और अपने सब लोग पहुंच चुके हैं राइडर्स, ये जिमनी पहुंच चुकी है, इधर विजय दद्दा, उधर गौरव दद्दा, और इधर से ये सूरज देवता ने दिए हैं एकदम खास वाले दर्शन। और आप चलते हैं आगे की तरफ, मैं हमेशा की तरह सबसे पीछे, ठीक है, तुम्हारा भाई सबसे पीछे भाई, कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई परेशानी, आप जाएंगे सीधे होम स्टे पे और रेस्ट करेंगे, बाकी का अपडेट आपको देते रहेगा आपका भाई। एक्चुअली ना इधर हो रही है डॉक्यूमेंट्री शूट, तो इस वजह से ये देखो भाई कैमरे का सेटअप, ये देखिए, ये देखो
भाई यहाँ तक देख रहे हो कितना ये ट्रैक्टर बड़ा छोटा है भाई, छोटा वाला ट्रैक्टर है क्या। और यहाँ से ना पंचाचुली का दर्शन करिए आप लोग, ये देखिए इस पुल से बहुत बेस्ट आता है सीन शॉट। वेट अ सेकंड, ये देखिए सामने पंचाचुली। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं ऊपर रूम्स देखने, नीचे भी हैं रूम्स, नीचे जो है वो है 1500 रुपीज पर हेड डिनर एंड ब्रेकफास्ट एंड ऊपर है 1000। तो एक्चुअली यहाँ पे ना सीजन टाइम पे यही रहता है कि मुँह मांगे रेट्स रहते हैं, तो ऊपर भी देख लेते हैं और ऊपर से ही रहा तो हम ऊपर ही रुक जाएंगे। और अभी हम आ चुके हैं दातू गाँव में और यहाँ से दिखाते हैं सामने वाला है दुक्तू गाँव और ये है पंचाचुली। तो अभी हम जा रहे हैं इधर रूम्स के लिए, देखते हैं इधर क्या है सीन शॉट। ठीक है, मस्त लग रहा, हमारी पूरी टीम चल रही है, देखो ये है हमारी टीम। यहाँ भाई पुराने मॉडल के घर है बिल्कुल, ये देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है, वो मस्त। कुसुम खेड़े किस साइड को? कमलवा गांजा रोड त्रिमूर्ति मंदिर। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? मैं कटघरिया। बजुनिया हल्दू। अच्छा वो पनियाली साइड पे, पनियाली से ऊपर इधर वो बिठोरिया, बिठोरिया नहीं सीधे आगे बैंक्वेट हॉल से आगे। अच्छा यहाँ से बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आलोकदा नजारे, दुक्तू का भी मस्त दुक्तू अच्छा लग रहा है। ओ, ये है होम स्टे, मस्त लग रहा है इधर और यहाँ से आ रहा है व्यू मस्त। ये देखिए ये पत्थर का ही रखना, सफेद मत करना सीमेंट लगा के। अच्छा लगता है, तब हम सीमेंट लगा वो सफेद कर दिया ना, अच्छा नहीं लग रहा सफेद पत्थर तो बढ़िया लगता है। गांव में यही है वह अलग, सीमेंट तो शहर में भी भाई ये तो पैदा हुआ, ये तो पहचान हुआ। नहीं भाई बात अगर देख लो बन हो चुकी है, अगर पसंद आता ठीक है। ये करण है और ये करण को एक इधर मित्र मिल गए, ये भी बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते, देखो कैसे इशारों में समझा रहे हैं, देखिए आप लोग ये देखो ये। तो भाई देखो ना लाइफ कितनी टफ होती है लोगों के लिए, ये देखो कुछ समझ में आ रहा आप लोगों को, आपस में बात कर रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं, देखिए ये तो भाई अब मारते हैं गप सप इनके साथ, थोड़ा मैं भी समझने की ट्राई करता हूँ और आप लोग भी समझो क्या कह रहे हैं ये लोग। ठीक है चलिए अभी रुके हैं दातू पे, दातू का हम होम स्टे पर रुके हैं। होम स्टे कुछ इस टाइप का है, ये ओल्ड टाइप पूरा सा, मतलब पुराना घर वाली फीलिंग आती है इधर। बाकी करण भाई है बाहर, बाकी यहाँ का पूरा गाँव और यहाँ का कल्चर सुबह दिखाएंगे। ठीक है अभी ना क्या कहते हैं रेस्ट करते हैं क्योंकि थक गए हैं, क्योंकि जो अपना 80-90 किलोमीटर का पूरा ट्रैक था ना पूरा ऑफ रोड था, और क्या होता ना बीच बीच में हम बहुत ज़्यादा रुक जा रहे थे तो उससे दिक्कत हो रही थी, बाकी तो बढ़िया ही है मस्त है। और आई होप कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, बहुत सारा प्यार देना है आप लोगों के, प्यार की ना सख्त ज़रूरत है। मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अच्छे से और अकेले भी आ सकता हूँ। तो बाकी आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आएगा, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना और भाई के चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मैं मिलूंगा बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।